हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सेवर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 5 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर चले तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे के एक सप्ताह में इस स्टॉक में 2% के करीब की गिरावट देखने को मिली है, तो 1 महीने में इस स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, 3 महीने में इस स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिली है, तो 6 महीने में इस स्टॉक में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल में देखें तो इस स्टॉक में 29% की तेजी भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक रिटर्न देखने को मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। जैसा कि अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 63 रुपए 40 पैसे, 63 रुपए 40 पैसे इस स्टॉक में इस बॉटम पर एक हाई बना। ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 52 रुपए। 52 रुपए इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 52 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 62 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 53 रुपए के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 55 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहेगा, पर शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।